मैं अपने सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ आए हुए मेरी सभी माता बहने बुजुर्ग एवं युवा साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज एक चंद्रशेखर एक रावण पैदा हुआ है। आ जाने वाले समय में इस तरह ही अगर अन्याय और अत्याचार होता रहा तो हमारे हर घर में एक रावण पैदा अवश्य होगा। एक रावण को तुम जेल में डालोगे, उसके ऊपर दुनिया भर के कानून लगाओगे। भाइयों, और कितने लोगों पर, कितने हमारे मुसलमानों पर जुर्म ढाओगे। हर घर में चंद्रशेखर आजाद रावण पैदा होगा और आप सारी भारत के लोगों को, यही नहीं पूरे भारत में पैदा होंगे। चंद्रशेखर रावण पहले 10 शीश निकलते थे, अब हजारों शीश पैदा होंगे। कितने लोगों को मारोगे, कब तक मारोगे, कब तक अत्याचार करोगे यहाँ के मूल निवासियों को? आप सहने की आदत नहीं रही, आपको मुंह पर जवाब देंगे। भाइयों, वो दिन गुजर गए जब यहाँ पर लोग आपकी गुलामी करते थे। यहाँ के मूल निवासियों को, जो यहाँ की जड़ है, आपने उन्हें गुलाम बनाया। लेकिन बाबा साहब ने वो कानून बनाया कि आज हर इंसान, हर मजहब का इंसान, हर मजहब, हर धर्म का इंसान अपनी बात को रख सकता है, अपनी लड़ाई लड़ सकता है और आप उसे रोक नहीं सकते। भाइयों, मोदी जी को तब नहीं दिखाई दिया, योगी जी को तब नहीं दिखाई दिया, अभी जगह जगह ठाकुरों ने अपनी ठाकुराई का प्रदर्शन कैसे किया। कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, तब उनको जेल के अंदर नहीं मारा जाता कि समय क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा ठाकुर बनिया कंपनी क्या कर रही है। जो कि विदेशी आर्य लोग हैं, उन्हें एक बार नहीं कहेंगे कि वो अत्याचार कैसे कर रहे हैं, उन पर नई नई धाराएं नहीं ठोकेंगे। भाइयों, हमारे लोगों को तो समझ रखा है ना कि करेंगे ही क्या, गुलाम है, गुलामी करते आए हैं। नहीं भाइयों, अब वो गुलामी नहीं करेंगे, तुम्हारे अत्याचार नहीं सहेंगे। अभी इलाहाबाद में ठाकुरों ने वहां फिर अपनी ठाकुराई दिखलाई। एक कानून के छात्र पर हमला बोला ठाकुरों ने और वहां की सरकार ने, वहां के नुमाइंदों ने कोई करवट नहीं ली। जब देखा कि वहां के छात्रों ने हमला बोल दिया कुछ ना करने पर, वहां के एसएसपी वगैरह ने, तब उन्होंने जाकर के उन पर कार्रवाई की, उन्हें निलंबित किया। भाइयों, इसी तरह मथुरा में जगह जगह ठाकुरों ने पूरी अपनी गुंडाई दिखा रखी है। उनकी गुंडाई का मुंह तोड़ जवाब देना होगा और हर बच्चे को, हर युवा को आगे आना पड़ेगा। और खास हमारी महिलाओं को, जैसे हमारी माता रमाबाई ने, हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने आगे आकर के अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने आप को कुर्बान किया। इसी तरह आपको अपने बच्चों को आगे लाना हो।